हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपके फेवरेट सीरियल पांडे स्टोर की धमाकेदार अपडेट लेकर एक बार फिर हाजिर है। तो पांडे स्टोर में सभी लोग निकले हैं भंडारे के लिए और पीछे से ऋषिता ने बहुत ही भड़का दिया है सुमन को। जी हाँ दोस्तों, माँ जी को भड़का दिया है ऋषिता ने और सारा से चुगल दिया कि इन दोनों ने, कृष्ण ने और शिवा ने मिलकर मुझे बहुत बुरी तरह से डराया था और इन्होंने सब कुछ मेरे साथ इस तरह से किया कि धरा दीदी ने दोनों सबका बंटवारा कर दिया रसोई का। और ये सुनकर होश उड़ जाते हैं सुमन। लेकिन दूसरी तरफ सुमन जो डिसाइड करे कि उससे पहले ही धरा के साथ जो कि सब लोग भंडारे पे निकलेंगे और भंडारे पर पीछे से सुमन कहती है कि वहां पर जाकर कोई ड्रामा नहीं करना है और भंडारे के बाद मैं डिसीजन लूंगी कि फैसला लूंगी कि किसके साथ क्या करना है। तो भंडारे में ही धरा के साथ ऐसा हादसा हो जाता है, जब वो पानी लेने जाते हैं, वहां से जल भरने जाते हैं तो उसी नदी में उसका जो पैर फिसल जाता है। जी हाँ दोस्तों, धरा के साथ बहुत ही बड़ा हादसा होने वाला है और इधर कहानी पूरी तरह से पलट जाएगी। जब सुमन डिसाइड कर रही होगी कि ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि पूरा परिवार एक भी हो जाए और उनको सबक भी मिल जाए, लेकिन दूसरी तरफ धरा का पैर फिसलेगा उस नदी में और धरा के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, धरा के साथ ये हादसा अब सबकी अकल ठिकाने ले आएगा। तो दूसरी तरफ अनीता अब सोचेगी कि अब मैं इसके साथ गौतम के करीब जाने की कोशिश करूं, लेकिन दूसरी तरफ अब धरा के साथ ये इंसिडेंट होने के बाद कहानी पूरी तरह से पलट जाएगी। अब देखना है कि धरा की जान बच जाएगी या फिर यहाँ पर शो मेकर्स कोई ट्विस्ट लाने वाले हैं। वेल, ये हादसे के बाद में अब सुमन बहुत ही बड़े धक्के में आ जाएगी और ये उसे पता चल जाएगा कि धरा के अलावा इस परिवार को वैसे भी कोई नहीं संभाल सकता। तो उसके बाद यहाँ पर घर वाले माफी तो मांगेंगे, लेकिन धरा के साथ ये हादसा पूरी तरह से कहानी को पलट के रख देने वाला है।